लेकिन यहाँ की व्यवस्था सीओ फौज ये सब कैसा है? ये सब बहुत अच्छा था। इतना मान सम्मान के खुश है, उससे खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं मौजूदा में एग्जिट गेट पे। मेरे पीछे जितना युवा है ये भर्ती देख करके आया है और बहुत मेहनत किए थे। इन लोगों का कहाँ चूक हो गया था कि रनिंग नहीं हो पाया, इनसे सारे कुछ बातें करेंगे। और आज कौन सा ट्रेड था, इन्होंने रिटर्न का कैसे तैयारी किए थे और फिजिकल का कहाँ तैयारी किए थे और कहाँ थोड़ा सा चूक हो गया ठंड के वजह से या फिर इनका गलती रहा, बंदे का गलती रहा, सारा कुछ बातें करेंगे कि आखिर कहाँ इनकी मिस हो गई। भैया आप लोग अभी भर्ती देख के आए हैं ना? जी। सारे बंदे जी सर। कौन सा ट्रेड था आप लोगों? ट्रेडमैन था जी। सभी का ट्रेडमैन। क्लर्क वाला भी था ना आज? क्लर्क सबसे पहले गया चला। अच्छा, आप लोग का जो कितना का बैच बना था पहले? 70 नहीं, 100 था। आप 100 नहीं, मेरा 70 आपका 70 देखिए 70 लास्ट बैच 70 का दो बैच बना था। अच्छा, 100 का, उसके बाद लास्ट वाला बैच जो है सेकंड बैच 70 का बना था। क्या इंसाफी हुआ? इंसाफी ये हुआ कि अगले जो ट्रेडमैन का 100 वाला जो बैच था उस सबको पूरा टाइम मिला है। हम लोगों का टाइम जो है कम ही मिला है। उस सब में तीन बार जो है ना, जैसे ग्रुप वन तीन बार बोल रहा था, हम लोगों को दो ही बार बोला ग्रुप, जैसे ग्रुप वन उसके बाद बोला ग्रुप बी गुड वाला, गुड वाला जो बोला ग्रुप बी दो ही बार बोला। हम लोग तो तीन बार बसा था। मात्र 100 मीटर से छट गए हैं। अच्छा, 100 मीटर 100 मीटर से मात्र छटे हुए हैं। भाई ऐसा है ना कि वहाँ के जितने भी सीओ हैं, मैं बता देता हूँ कि 28 से 30 तक बोलेगा तो दो और एक बार भी बोलेगा, वो ई नहीं कि है 20 से स्टार्ट करके 30 तक चार पांच बार ग्रुप वन ऐसा नहीं होता। हमारे पांच वीडियो फुल वीडियो कहीं कट नहीं है, उसमें कहीं ट्रिम नहीं है, उसको आप लोग जाके देखे। अगर फुल टाइम नहीं दिया तो मेरा नाम नहीं, ठीक है? फुल टाइम दे रहा है, इन लोगों को पता नहीं चल रहा है, घर ही लगा के थोड़ी चल रहा है, ये सेकंडों का सेकंड होता है भाई। वहाँ पे उन लोगों के पास वही सिस्टम होता है, टाइमिंग फुल टाइमिंग से मतलब नहीं हमको, ठीक ना? बंदा कम लिया तो टाइम के अंदर जितना आएगा उतनी तो लगेगा ना सर जी? वैसा बात नहीं है, हर मतलब हर ग्रुप में 50-60 आ रहा है, 50 ले रहा है, उस बैच में 100 आएगा तो 100 भी ले लेगा भाई साहब। ये टाइम के अंदर जितना आएगा उन्होंने कहा होगा, टाइम के अंदर जितना आएगा सब लेगा बोला था। एक नजदीक आए ना तो हम लोग ये सोचते कि तीन बार बोलेगा ना, तो हम लोग इस चीज पे ध्यान ज्यादा दिए थे। अच्छा, तीन बार बोलेंगे तो एंट्री मार देंगे। गलती है जो तीन बार नहीं बोला, जिससे सब बीच में होता है ना, तीन बार बोलता है, गलती है तीन बार नहीं बोला, दो बार बोल के हिरा गया। अच्छा, गलती ये हुआ भाई। ये आप लोग भूल में ना रहे कि हमें चार बार, तीन बार, दो बार ग्रुप वन अनाउंस करेंगे, ऐसा नहीं। टाइम के अंदर एक बार भी बोल सकते हैं ग्रुप वन, या ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रुप वन क्लोज, ऐसे भी डायरेक्ट बोल देंगे 5:30 में ग्रुप वन क्लोज। तो आप लोग टाइम के अंदर और ग्रुप में चलें ताकि रनिंग हो जाए। चलिए, कोई नहीं, अगली बार आना है। जी, अगले बार आना। एज है ना सर? हाँ, एज है। हाँ, एज है। अगली बार दवा क्या ना मैंने पक्का एक्सलेंट मारेंगे। अच्छा, यहाँ अभी चला 5-5 का दोगा, अब की बार फोर नहीं भरे थे, अगला बार पक्का भरेंगे। जो लड़का का 6 मिनट का रनिंग था, वो लड़का सब उस सब जीडी से भरा था, उस सब का गुड लगा, गुड लगा। लेकिन भाई अगर 6 मिनट का रनिंग है और गुड लगा, बताइए उन लोगों का अगर टाइम नहीं दिया तो वो कैसे पास किया? यहाँ से सोच सकते हैं आप लोग, यानी कहने का मतलब टाइमिंग अच्छा है, फुल दे रहे हैं फिट होने के बाद भी आप लोग को दुख है ना? मैं ये बता रहा हूँ, दुख है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सीओ फौज ये सब कैसा है? ये सब बहुत अच्छा था। इतना मान सम्मान के खुश है, उससे खुश है। लेकिन पुलिस से गलती के वजह से बाहर है, लेकिन उससे दुख है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सबसे मस्त है, कोई तरह का पिछले तरह से पिछले साल से काफी मस्त है, बहुत अच्छा है। यहाँ की देखते हैं एम्बुलेंस की सुविधा, वाटर प्रूफ पंडाल, पेशाब, बाथरूम, फ्रूटी, ये सारे कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था। यहाँ के बर्ताव सब सारे सब कुछ मार्शलिंग एरिया रेस्ट एरिया सारे कुछ बढ़िया। और फिर ट्रैक सब बढ़िया था। आगामी कैंडिडेट भर्ती आने वाला है, उसे कैसे कहेंगे तैयारी फिजिकल की? उसको यही बोलेंगे अच्छा से तैयारी करके, ना कोई डर है, पूरा अच्छा से तैयारी करके। इससे डर होता है ना पहले, ना कैसे होगा नहीं होगा, अग्निवीर हो गया है, सेम वही प्रोसेस है। उससे तो बहुत हल्का है, ढाई सौ 300 बैच वही है। जैसे वो जो हम जैसे पिछला बार एक बार दोगे थे 19 में तो 450 बैच में दोगे थे, अब की बार 100 का बैच लगा है, बहुत अच्छा है ये। एक बात है, माँ जी अग्निवीर बहुत गलत किया है, चाहे की 450 बैच और 28 साल था
वो बहुत अच्छा था। 500 बीवीएस लगा था 30 साल था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था। अग्निवीर से थोड़ा सा नाखुश है नहीं? हाँ, अग्निवीर ना खुश, पूरा नाखुश है, तो 100 में 100 नाखुश है। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा लिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड सर्विस बढ़िया बनाइए, परमानेंट में जाइए। हाँ, वो भी जा सकते हैं। अग्नि देखिए, हम भी तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं, ई भी तैयारी करता है, ऐसा नहीं ना, ई भी नहीं तैयारी करता। तो अग्निवीर सबके लिए बराबर होना चाहिए, अग्निवीर नहीं होना चाहिए ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा थोड़े आप जैसे दिल तोड़ने वाला बात करना है, आप तैयारी कीजिए, अच्छा इसका दिल तोड़िए, ऐसा बात नहीं बोलिए, ऐसा बोलिए इसका भी मनोबल तैयारी करे, सब तैयारी करे। अरे भाई, 500 पांचों के बराबर थोड़े है, 100 बैच में हम कितना सुनिए ना, सुनिए ना, हम बोल रहे आप लोग अग्निवीर में जाइएगा, हम बोले 500 का बैच लगाइए, मत परमानेंट कीजिए, हम उससे ना खुश है, हम 500 का बैच लगाइए, दोगने के लिए रेडी है, सब बंदा खुश है दोगने के लिए, 500 का बैच लगाइए, हाँ 4 साल अति गिनजिए पेंशन, मत वो कीजिए, 500 का बैच लगे उससे हम खुश है, ये अग्निवीर हटा दीजिए। अच्छा, अग्निवीर हटा, चलिए आपकी बात से सरकार तक जाएंगे, और भर्ती बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, अग्निवीर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी बात सब चीज अच्छा चल रहा है, इनके बातों का फॉलो करें, अगली बार ये सब आएंगे। व्यवस्था सब बढ़िया था, आज लास्ट भर्ती था।